भीलवाड़ा के प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटक स्थल हरणी महादेव में स्थित प्राचीन शिवालय परिसर में विशाल नंदीश्वर की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। नंदीश्वर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 2 दिवसीय रहेगा। इस आयोजन की जानकारी देते हुए मंदिर पुजारी पंडित ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि 21 नवम्बर रविवार को हरणी महादेव व आसपास के क्षेत्र में कलश शोभा यात्रा निकाली जाएगी एवं हवन यज्ञ का आयोजन होगा और सोमवार 22 नवम्बर प्रातः मंत्र उच्चारण के साथ विधि विधान पूर्वक प्रतिमा को प्राण प्रतिष्ठित कर स्थापित किया जाएगा। हरणी महादेव मंदिर सेवा समिति के महादेव जाट ने बताया कि हरणी महादेव मंदिर परिसर में स्थापित होने वाली नंदीश्वर की प्रतिमा दौसा जिले के सिकंदरा में बनकर तैयार हो चुकी है। काले रंग की इस प्रतिमा वजन 60 टन है और यह 7 फीट लंबी 5 फीट चौड़ी है। इस आयोजन को लेकर मंदिर ट्रस्ट व सेवा समिति ने तैयारियां पूर्ण कर ली है। वही इस 2 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में हरणी महादेव मंदिर ट्रस्ट व मंदिर सेवा समिति के साथ ही कई विशिष्ट नागरिक व क्षेत्रवासी श्रद्धालु मौजूद रहेंगे। हरणी महादेव मंदिर में नंदेश्वर भगवान की स्थापना हो रही है। 21 तारीख को जल यात्रा प्रारंभ होगी और मंदिर के चारों तरफ घूम के मंदिर के सामने आ जाएगी। स्थापना कब होगी? ये 22 तारीख को स्थापना होगी। सोमवार होगा और सुबह प्रातःकाल होगा, उसके पहले हवन वगैरह होगा और ये होगा। ठीक है, आपका नाम बताओ। ओम प्रकाश जी शर्मा, हरणी महादेव मंदिर। सर, हरणी महादेव मंदिर में विशाल नंदीश्वर भगवान की इसमें प्रतिमा की स्थापना होगी और ये कम से कम 6.5 फीट लंबाई है और 3.5 फीट चौड़ाई है और 4 फीट इसकी हाइट है। और ये काफ़ी दिनों से भक्तों की ये थी कि भाई यार कम से कम यहाँ बाहर बड़ा शिवलिंग है, बड़ा शिवालय है, तो यहाँ कम से कम एक भव्य मूर्ति की स्थापना हो। तो सबकी मांग के अनुसार हमने ये चीज़ इसकी तैयारी की है और ये अभी कम से कम 4 महीने पहले हमने दौसा सिकंदरा जो है वहाँ हमने इसकी वहाँ इसकी मूर्ति की गढ़ाई हो रही है। अब मूर्ति लगभग कंप्लीट हो चुकी है और इसको कल या परसों में यहाँ ला करके 4 दिन पहले ही यहाँ ले आएंगे और उसके बाद इसकी 21 तारीख को दिन में हवन होगा और बाकी और भी कलश यात्रा का वगैरह प्रोग्राम होगा और 22 तारीख को सुबह 7:15 बजे इसकी स्थापना की जाएगी। महादेव जाट, हरणी महादेव मंदिर ट्रस्ट।